वेलकम बैक टू माय चैनल इन सिंक विद निधि आज के एपिसोड में आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ क्लिपिंग मास्क एंड लॉक ऑन प्रोक्रिएट अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको सो so, uh, अभी आप देख सकते हो आई एम जस्ट एडजस्टिंग जो एडिशन वर्ड मैंने ऐड किया है अपने इस शीट के ऊपर सो आई एम पुटिंग दैम ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक बेस लेयर क्रिएट कर रही हूँ हाउ टू यूज़ द क्लिपिंग मास्क एंड लॉक वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगी सो so, बेस हम स्टार्ट करेंगे एडिशन uh, को मैंने चारों कॉर्नर्स में ऐड कर दिया एंड नाउ मैंने उन चारों जो डुप्लीकेट मैंने लेयर्स बनाई थी उनको मैंने एक लेयर में कंबाइन कर दिया है अब मुझे जो है मेन अपना फॉन्ट ऐड करना है विच इज़ लव तो मैं लव को एक बार मैंने टाइप किया एंड देन आई एल जस्ट कॉपी एंड पेस्टेड एज यू कैन सी फोर टाइम्स सो दिस इज हाउ इट लुक्स अब इसको मैं अपने चॉइस और अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग मैं इसको रिसाइज कर सकती हूँ uh, और मुझे जहाँ पे भी इसको अगर सेंटर में रखना है और इफ़ आई वांट टू पुट इट ऑन द साइड आई कैन डू इट और आप जैसे भी आप पसंद करते हैं और अगर आपको कोई और कलर भी चूज़ करना है अपने फोन का वो भी आप आ, कर सकते हैं बट दैट इज़ नॉट द फोकस ऑफ दिस वीडियो तो ये मैंने सेंटर ऑफ द पेज एडजस्ट कर लिया है यूजिंग द टूल नाउ मूविंग ऑन अब इसके ऊपर जो है मुझे फ़ॉन्ट ऐड करना है राइट right? जो आप थंबनेल में देख सकते हो लव जो है इसके ऊपर ऐड करना है बट अगर लेयर मैंने नीचे ऐड करी हुई है जैसे कि अभी आपने देखा अगर मैं अभी कुछ भी यहाँ पर लिखूंगी तो वो जो मेरा जो मेजर फॉन्ट है ये लव वो इसके नीचे वाली लेयर में जाएगा बट वॉट आई वॉन्ट इज कि इसके ऊपर आए सो दैट आई कैन गिव इट अ थ्री डी अपियरेंस देखिए अब जैसे मैंने एल लिखा दैट इज गोइंग बिलो द मेन फॉन्ट बट आई वॉन्ट इट अबव इट सो आई जस्ट ड्रैग इट एंड पोट इट ऑन द टॉप और आप देख सकते हो कि कैसे उसके ऊपर आ गया है सो दिस इज़ वन स्टेप दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एडजस्टिंग योर लेयर्स अकॉर्डिंगली नाउ आई एल जस्ट सिंपली यू नो पोट इन ऑल द वर्ल्ड्स एल ओ वी एंड ई और उसमें मै आई एल ड्रैक द पेंट एंड अगेन गाइज यू कैन यूज़ द कलर ऑफ योर चॉइस यू कैन यूज़ द साइज ऑफ योर चॉइस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं यू कैन जस्ट यू नो इवन कॉपी एंड पेस्ट फ्राम पेंट्रेस्ट और एनी आइडियाज़ इफ़ यूर नॉट गेटिंग आप वहाँ से भी देख सकते हो फॉर बिगिनर्स इट्स फाइन दैन मूविंग ऑन जो मैंने ये ऊपर लेयर ऐड करी है आई विल अगेन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस जैसे मुझे उसको उसके आई डोंट वॉन्ट इट कि वो पूरा कवर हो सो आई जस्ट पोर्ट्रेट ओवर दिस तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से रीअरेंज कर लिया है अपने पूरे फोन्ट को नाओ uh, अब मैं क्या चाहती हूँ मैं अब इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करना चाहती हूँ नाओ वी विल फॉगेट जो मैंने पीछे लव एडिशन लिखा है जो पिंक लेयर से मैंने लव लिखा है मैं इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करना चाहती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ हाउ टू यूज़ एल्फा लॉक एंड क्लिपिंग मास्क नाओ मैंने एक इसके ऊपर लेयर ऐड कर ली है आई विल जस्ट चूज़ अ लाइटर कलर और मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी अब राइट right? एल को भी मैं उसके ऊपर दोबारा से एक एल लिखूँगी एंड आई जस्ट पेंट इट ओवर अगेन एंड सिमिलरली फॉर ऑल द लेटर्स यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग इट ओके सो अब जो है मेरा प्रॉपर पेंट हो चुका है और अब जो मेरी जो टॉप लेयर है मुझे सिर्फ उसके अंदर जो है काम करना है सो आई एल क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन एल्फ़ा लॉक और आप देख सकते हो कैसे बैकग्राउंड जो है वो लॉक हो चुका है नाउ आई जस्ट सेलेक्ट वट एवर टेक्स्चर आई वॉन्ट और वट एवर पैटर्न आई वॉन्ट जो मेरे टॉप लेयर के inside my and uh, for now i will just use one of the knitting textures that i have now this is a brush that i purchased uh, from some some other application from app store alright so i'll readjust the size and uh, i'll choose a darker color there we go or maybe a lighter color whatever is your choice and you see नाउ आई यू कैन सी द ब्रश इज़ इवन गोइंग आउटसाइड द लाइन्स बट जो पेंट हो रहा है दैट इज ओनली इनसाइड द लाइन्स दैट इज ओनली बिकॉज आई हैव यूज एल्फा लॉक सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक दिस क्लियर सो एल्फा लॉक क्या करता है आपके उस लेयर को लॉक कर देता है सो वॉटर जो भी उस लेयर के अंदर पेंट है उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा

और अगर मुझे सिर्फ फ्रीन रखना है सो दैट इज़ वन ड्रॉबैक बट लेट्स से विल डू क्लिपिंग मास्क नाउ सी आई एडिड अ न्यू लेयर ऑन टॉप ऑफ इट एंड आई सिलेक्टेड क्लिपिंग मास्क और मैं जितनी मर्जी लेयर इसके ऊपर ऐड करके मैं क्लिपिंग मास्क ऐड कर सकती हूँ और मैं अलग अलग टेक्स्टर हर एक लेयर में ऐड कर सकती हूँ सो इन दैट केस क्या होगा सो so, अभी देखिए जैसे मैंने अभी ये बबल्स यहाँ पे ऐड किए और पोल का डॉट्स ना इफ़ आई वॉन्ट टू एड दिस अनदर टेक्स्चर वो भी मैं अलग से इसके ऊपर ऐड कर सकती हूँ एंड इफ़ आई वॉन्ट टू लेट्स से कि मुझे एक टेक्स्टर इसमें से हटाना है मे बी द टॉप वन सो आई जस्ट बी सिलेक्टेड और वहाँ पर सिर्फ ये वाला ही टेक्स्टर रह जाएगा बट दिस इज़ नॉट द केस विद एल्फोलॉग क्योंकि एल्फोलाग जो है वो सिंगल लेयर तक ही रहता है सो इन माई ओपिनियन आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग क्लिपिंग मैं बिकॉज इट्स ईजियर एंड यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिड कि हाँ मतलब आपको एक ही लेयर पर काम करना है यू कैन ईजीली यूज एज मैनी लेयर इज यू वॉन्ट एंड एड मल्टीपल इफेक्ट्स टू यूर टेक्सट और टू वट एवर पेंटिंग और ड्राॅइंगट यू आर डूइंग ना दिस इज द फाइनल लुक दर आईव जस्ट मेड एंड आई विल शो यू वट वॉज द ओरिजिनल वन जो मैंने सबसे पहले बनाया था i'll just quickly go back to my gallery and i will show you how it was that was a little different we are back at the gallery and scroll down down to the lettering section and yeah there it is see the background color is also different thank you so much for watching the video guys i used ipad mini and apple pencil second generation do not forget to like share and subscribe